और सूबे की राजधानी देहरादून में भी छठ महापर्व की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व को लेकर बड़े पैमाने पर घाटों की सफाई की जा रही है। इसके लिए अलग अलग टीमें भी बनाई गई है। साफ सफाई के लिए सुलभ स्वच्छता की टीम से भी मदद ली जा रही है। घाटों की सफाई के बाद व्रत करने वाले लोग स्नान ध्यान कर टपकेश्वर महादेव मंदिर पर एकत्रित हुए हैं, जहां पर कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण किया है। बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व हिंदू पांचांग के मुताबिक कार्तिक माह के षष्ठी से शुरू होती है और 29 अक्टूबर को खरना है। डूबते सूरज को 30 अक्टूबर को और उगते सूर्य को 31 अक्टूबर को अर्घ्य दिया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जो डायरेक्ट हमें भगवान सीधा सीधा जो भगवान दिखते हैं हमें सूर्य भगवान। सूर्य भगवान से पूरा, जैसे आप लोग सब विदित है कि जितना भी ताकत प्राप्त होता है, चाहे आदमी हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, जितने भी जीव जंतु हैं, यदि सूर्य उदय होना बंद हो जाए तो समझिए कि 1 महीना 2 महीना 4 महीने में सारा सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सूर्य भगवान को इस रूप में मानते हैं। दूसरे में जो साक्षात देवता के रूप में इनको माना गया है।